नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान न्यूज़ नेटवर्क में। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षाओं पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है, ऐसे में फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। परीक्षा के दौरान अनियमितताओं को लेकर दायर 40 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस मामले में व्यवस्थागत खामी की बात साबित नहीं होती है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने परीक्षा में फिजिक्स के एक सवाल को लेकर कहा कि उसका सही जवाब विकल्प 4 है। हम इस मामले में IIT दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। विकल्प 4 को सही मानते हुए NEET UG का परिणाम फिर से जारी किया जाए। गौरतलब है कि इस फैसले से 4 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम पर असर पड़ता है। पीठ ने फिर से परीक्षा कराने के नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि आदेश देना परीक्षा देने वाले 24 लाख बच्चों के लिए मुश्किल भरा होगा, इससे एडमिशन का शेड्यूल भी बाधित होगा। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।